नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और मैं हूं राहुल तिवारी। मध्य प्रदेश की राजनीति किस तरफ करवट लेगी, इसका अनुमान लगाना अभी राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए भी कठिन है। मध्य प्रदेश की राजनीति में यूं तो मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी भूमिका भी इस सरकार में काफ़ी अहम है। भूमिका क्या है यह तो कोई तय नहीं कर पा रहा है, लेकिन भूमिका महत्वपूर्ण है यह सभी मान रहे हैं। कुछ दिनों पहले की बात है, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश के सभी मंत्रियों को एक पत्र लिखा और उनसे मिलने के लिए समय मांगा। कारण एक था कि जनता के बीच में शिकायतें हैं जिन्हें मंत्री जी दूर नहीं कर रहे हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह खुद सभी मंत्रियों से मिलेंगे और उनसे जनता की समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगे। ये पत्र दिग्विजय सिंह के अपने बेटे जयवर्धन सिंह को भी मिला, जो मध्य प्रदेश शासन में नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। लेकिन इसके बाद भी इस पत्र पर राजनीति शुरू हो गई है। दिग्विजय सिंह की चिट्ठी पर अब जवाब आने लगे हैं, प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं और इस प्रतिक्रिया में एक बेहद ही तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं उमंग सिंघार, जिन्होंने दिग्विजय सिंह के पत्र का जवाब दिया है और जवाब में उन्होंने जो बातें कही उसने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा दिए हैं। क्या कहा उमंग सिंघार ने, आइए सुनते हैं। देखिए, माननीय दिग्विजय सिंह जी के बारे में ये कहूंगा, सरकार पर्दे के पीछे से चला रहे हैं, ये सबको पता है, जग जाहिर है। और प्रदेश की जनता जानती है, कांग्रेस से कार्यकर्ता जानता है, उन्हें चिट्ठी लिखने की आवश्यकता ही नहीं। जब सरकार ही चला रहे तो चिट्ठी की आवश्यकता क्यों? तो ये उमंग सिंघार हैं जो मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री हैं और दिग्विजय सिंह गुट से नहीं आते हैं। देखिए, माननीय दिग्विजय सिंह जी के बारे में ये कहूंगा, सरकार पर्दे के पीछे से चला रहे हैं, ये सबको पता है, जग जाहिर है। और प्रदेश की जनता जानती है, कांग्रेस से कार्यकर्ता जानता है, उन्हें चिट्ठी लिखने की आवश्यकता ही नहीं। जब सरकार ही चला रहे तो चिट्ठी की आवश्यकता क्यों? इन्होंने साफ किया कि दिग्विजय सिंह प्रदेश में क्या है सभी को पता है, पर्दे के पीछे से सरकार कौन चला रहा है सभी जानते हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह को मंत्रियों को पत्र लिखने की जरूरत नहीं है, यदि उन्हें कुछ कहना है तो वे सीधे भी कह सकते हैं। निशाना साफ है दिग्विजय सिंह पर, लेकिन क्या दिग्विजय सिंह इसका जवाब देंगे या फिर वे सभी मंत्रियों से मिलकर जनता की समस्याओं पर बात करेंगे, ये अब देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।